सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रिव्यू करें i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का, जो कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है, जो कि विदाउट सनरूफ आता है। तो अभी इसका फ्रंट लुक आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रंट की तरफ आते हैं तो इसका जो ग्रिल है वो डायमंड कट टाइप का पूरा मिल जाता है ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पर आपको ह्यूंडई का जो लोगो मिलता है वो क्रोम टाइप का मिल जाता है यहाँ पर। सो इसका जो हेडलैम्प है वो आपको इसमें हैलोजन मिल जाता है, LED नहीं मिलता। नीचे में आपको फॉग लैंप भी देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट पे। इसके नीचे में थोड़ा यहाँ पे ब्लैक फिनिश पूरा दे रखा है यहाँ पे इसके फ्रंट की तरफ। तो साइड प्रोफाइल पे चलते हैं तो RBM जो मिलता है आपको, ये बॉडी कलर का मिल जाता है, इसमें बेस इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ थोड़ा ब्लैक फिनिश दे रखा है। बाय द वे, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 170 mm का एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इसका LY की बात करें तो इसमें आपको पूरा सिल्वर टाइप का LY मिल जाता है इस गाड़ी में। और यहाँ पे पूरा क्रोम दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रनिंग में इसमें क्रोम मिल जाता है आपको यहाँ पे यहाँ तक। डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको बॉडी कलर का मिलता है, डोर हैंडल्स जो है बॉडी कलर का मिल जाता है। बैक की तरफ आते तो यहाँ पे आपको शार्क फिन मिल जाता है, एंटीना नहीं मिलता। यहाँ पे ह्यूंडई का जो लोगो मिलता है वो क्रोम टाइप का मिल जाता है, और पूरा यहाँ ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाती है, जो कि वेरियंट स्पोर्ट्स वेरियंट है। यहाँ पे i20 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ नीचे आते तो पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो अभी इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो वायदे अभी इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है। तो ये गाइस इसका इंटीरियर है, कुछ पूरा ब्लैक्स आपको मिल जाता है इसका जो इंटीरियर है। तो स्टेयरिंग वगैरह का फीडबैक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस इसमें जो की है कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, इसे इंसर्ट करते हैं अभी इसके की को। तो इसका जो मीटर है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है गाइस, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसका जो मीटर है, जो कि बर्नर टाइप का थोड़ा थोड़ा लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इसका जो मीटर है। तो सबसे पहले इसके स्टेटिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है स्टेटिंग का एडजस्टमेंट जो है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है इसमें इसका एडजस्टमेंट स्टेटिंग है। तो अपने हिसाब से, अपने कम्फर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये डायल एंड डायल बटन मिल जाता है, ये वॉल्यूम का कंट्रोल यहाँ मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ से ऑन हो जाता है, यहाँ से ओके कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सनवाइजर पे आपको ना मिरर मिलता है ना लाइट मिलता है। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर दे रखा है जस्ट फॉर इंसर्ट समथिंग। यहाँ पे जो लाइट मिलता है वो आपको हैलोजन मिल जाता है, LED नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है। तो स्टेयरिंग में पूरा आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगा। तो इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डोर्स पे आपको पूरा ब्लैक देखने को मिलेगा यहाँ पे विंडोज का कंट्रोल मिल जाता है, लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, RBM का जो फोर अनफोल्ड है आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इस गाड़ी में, RBM का जो फोर अनफोल्ड है, लॉक अनलॉक बटन वगैरह मिल जाता है, विंडोज का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे हेडलाइट का एडजस्टमेंट वगैरह दे रखा है। और इसका एडजस्टमेंट की बात करें सीट का तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। सीट का हाइट का एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। तो इधर की तरफ आते हैं तो इसका जो स्क्रीन है वो 8-10 inch के आसपास मिल जाता है आपको, ये जो स्क्रीन है आपको 8-10 inch के आसपास मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑल मेनूज वगैरह मिल जाता है, जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस मेनू, फ़ोन सब मिल जाता है यहाँ पे।
बहुत सारे कंट्रोल वगैरह दे रखे हैं इसमें, इसके स्क्रीन पे, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एपर कार प्ले के साथ आता है। थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे पूरा ब्लैक फिनिश दे रखा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है इसमें, जो कि वन टैप करते ही ऑन हो जाएगा आपका एसी, तो ऑटोमेटिक एसी दे रखा है। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट वगैरह मिल जाता है यहाँ पे 12 वाट का सॉकेट के साथ। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे रखा है। गियर वॉश काफ़ी बेसिक तरीका का मिलता है पूरा ब्लैक फिनिश में, और इसका रिवर्स कैमरा जो आपको दिखा देते हैं, तो रिवर्स कैमरा देख सकते हैं काफ़ी क्लियर है, ये स्टेबल है, जो कि यहाँ से अपना आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से इसका रिवर्स कैमरा का, तो काफ़ी क्लियर है इसका जो रिवर्स कैमरा है। बाय द वे ये 5-speed ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो इसमें यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पे हैंड ब्रेक जो मिलता है ब्लैक कलर का मिलता है, और पूरा गाड़ी पे आपको ब्लैक थीम देखने को मिलेगा, इस गाड़ी पे पूरा ब्लैक थीम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट में ये मिल जाता है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, और पूरे गाड़ी में आपको ब्लैक थीम देखने को मिलेगा इस वेरियंट में, स्पोर्ट्स वेरियंट में। सनरूफ नहीं मिलता, एक मिसिंग है कि सनरूफ इस वेरियंट पर आपको नहीं मिलता है स्पोर्ट्स वेरियंट में। ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा दे रखा है, ग्लव बॉक्स में आपको स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो चलते हैं अभी इसके बैक की तरफ, मतलब सेकंड रो में। तो गाइस आ चुके हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो में स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा दे रखा है सेकंड रो में। बाय द वे यहाँ एक लाइट मिल जाता है, जो कि आपको हैलोजन लाइट मिल जाता है यहाँ पे, तो स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा दे रखा है बैक की तरफ, तो 5-seater के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पेस है इस गाड़ी में, 5-seater के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलता है बैक की तरफ, और यहाँ पर आपको जो डोर्स है वो ब्लैक सेक्शन का मिल जाता है डोर हैंडल्स जो है। यहाँ पे आपको ये पूरा सॉफ्ट ये लेदर वगैरह का सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया, सॉफ्ट प्लास्टिक वगैरह का, और यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है यहाँ पे इस गाड़ी में, रियर एसी वेंट मिल जाता है यहाँ पे, एक यूएसबी पोर्ट का भी ऑप्शन दे रखा है चार्जिंग का, और यहाँ थोड़ा स्पेस दे रखा है बैक की तरफ। तो बैक की तरफ स्पेस वगैरह की बात करें तो स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है बैक में, स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में 5-seater के हिसाब से, और मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ एकदम इस गाड़ी में। देख सकते हैं लेग रूम वगैरह भी काफ़ी, मतलब ज़्यादा गैप है, लेग रूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में। तो गाइस इसके पावर फियर की बात करते हैं अब। सो गाइस BHP की बात करें तो इसमें जो BHP मिलता है 82 मिल जाता है, जो BHP है मैक्स टॉर के साथ, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर का एक बड़ा टैंक मिलता है, और बूट स्पेस की बात करें तो 311 लीटर का एक बड़ा बूट मिल जाता है, 311 लीटर का। तो अभी आपको इसका बूट दिखाएंगे। सो गाइस इसका जो बूट है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल मिल जाता है, अपने ऊपर चला गया देख सकते हैं। तो इसमें एक बड़ा पार्सल ट्रे दे रखा है यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने के लिए, बड़ा पार्सल ट्रे, और इसमें जो स्पेस है आपको 311 लीटर का एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, 311 लीटर का। तो स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है इसके बूट में आपको। बाय द वे पार्सल ट्रे भी काफ़ी बड़ा मिलता है, और ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल मिल जाता है इसका जो बूट का ओपन का सेक्शन है।